अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना हो रही है, तो हम सभी लोग अपने अपने घरों में भी सजावट कर रहे हैं, दीपोत्सव की जैसे मना रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी मेरे मंदिर के लिए आसन बनवाती हूँ, तो मैंने ये कपड़ा पसंद किया है और इसके आसन बनवाए हैं। कुछ भगवान के लिए छोटे छोटे बर्तन खरीदे हैं, तो सबसे पहले तो मंदिर को डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, ये आसन बन के रेडी हो गए हैं मेरे, और कुछ मिठाइयाँ बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी, खीर पूड़ी बनाऊंगी, भगवान को जो जो भी पसंद है, जितनी भी सेवा मुझसे हो सकती है वो मैं ज़रूर करूंगी। तो आप देखिए, मेरे पास में ना जगन्नाथ प्रभु का विग्रह है, तो मेरी एक फ्रेंड है वो मेरे भगवान जी के लिए, ठाकुर जी के लिए ये पोशाक लेके आई है, और इसी तरह की मेरे पास में माला झोली है। तो सबसे पहले मंदिर की सफाई करके और वहाँ पे हम आसन वगैरह बिछाते हैं, भगवान को अच्छे से गंगा जल से स्नान करा के और उनको नए नए वस्त्र पहनाते हैं। लड्डू गोपाल की पोशाक मेरे पास में, राधा रानी का भी विग्रह है, लड्डू गोपाल का भी है, तो उनकी मेरे पास में रखी हुई थी, तो वो पहना दूंगी। ये एक दो बार पहनी हुई है, उनके लिए नए कपड़े नहीं है। और ये कुछ बर्तन लाई हूँ मैं, रामलला का मतलब छोटा विग्रह स्थापित करेंगे ना, उसके लिए भगवान को भोग लगाने के लिए ये लेके आई हूँ मैं। तो सबसे पहले मंदिर की तैयारियाँ करते हैं। ये है 21 तारीख की कुछ झलकियाँ, हमारे मंदिर है पास में ही, तो हमने सभी महिला मंडल ने मिलके सुंदरकांड का पाठ किया था, और उसके बाद में थोड़ा सा भजन गा रहे हैं, और सभी लोग सभी मतलब मिलके भगवान का भजन गा रहे हैं, भगवान के लिए डांस कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ झलकियाँ देखिए, फिर मैं जाके घर पे बनाऊँगी मांडने, शगुन होता है भगवान के पगले बनाना, वो सब मैं करूँगी। अब मैं करूँगी भोग की तैयारी। तो सबसे पहले बनाती हूँ मूंग दाल का हलवा। मूंग के मोगर को मैंने मतलब 5-6 घंटे भिगो दिए हैं और इसको अच्छे से पीस लिया है, अब घी में डाल लेंगे। देखो, मूंग के दाल का हलवा बनता बड़ा टेस्टी है, और अपने हाथों से भगवान को बनाने की तो बात ही अलग है। थोड़े से हाथ दर्द होंगे, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन बनने के बाद में बहुत अच्छा होगा। शुरू शुरू में इसमें जब तक पानी ख़त्म नहीं होता है ना, ये जब तक इसमें बड़ी मेहनत लगती है, तो हम मतलब अच्छे से इसको लो फ्लेम पे अच्छे से सेक लेंगे, और मूंग का दाल का हलवा ये मैं पहले दिन ही बना के रख लूँगी। इसमें क्या, सेकते सेकते इसका पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म होने के बाद में इस तरह का हो जाएगा। उसमें क्या, पहले वाली कढ़ाई में सेकने से थोड़ा सा नीचे लग गया था, तो मैंने सोचा कि इसमें स्मेल हो जाएगी, तो मैंने उस कढ़ाई को बाहर निकाल दिया और इसमें डाल लिया। ये अच्छे से सिक चुका है, अब हमको बिल्कुल भी इसमें मतलब इसको सेकने में कोई जो आराम से अच्छे से ये सिक जाएगा। इस तरह से पूरा अच्छे से मतलब इसकी सिकाई हो चुकी है एक तरह से। अब इसमें मैंने दूध भी डाल दिया है, शक्कर भी डाल दी है, और मेवे भी डाल दिया है। ये देखिए, मेरा मूंग का दाल का हलवा तैयार हो गया है। यहाँ पे हो गया है मेरा दूसरा दिन, तो मैंने मतलब खीर पूड़ी सब्जी
ये सब बना ली है। ये देखिए, ये मेरी खीर देखिए, और ये आलू मटर की सब्जी बनाई है मैंने, ये देखिए। और ये जो है, ये हलवा है ना, कल बनाया था ना, आपको बताया था ना, वो वाला हलवा है। तो इसको मैं यहाँ पे गर्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी भगवान को भोग लगाएंगे। और मैंने मेथी की पूड़ियाँ बनाई है। ये मेरा राम दरबार भी सच के एक तरह से तैयार हो गया, बीच बीच में आके किचन छोड़ के। और ये काम भी कर लेती हूँ, मैंने कहा चलो इनके तिलक वगैरह कर देते हैं और भगवान के पैरों में तुलसी लगा देते हैं।